हेलो एवरीमन वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर आई वर्षा वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन एट एग्रीकल्चर एट ट्वेंटी फोर सेवन स्वागत है आपका अपनी एग्रीकल्चर की क्लास में फॉरेस्ट्री uh, की क्लास में एग्रीकल्चर एट ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसमें आज हम मेजरमेंट्स करने वाले हैं कि किसी भी ट्री का गर्थ या फिर डायमीटर अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम किस तरीके से मेजर करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो एम आई ऑडिबल नाउ गाइस आरुषि, दिलीप युवराज गणेश अभी आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है यस yes. uh, देखो मैं तो ऑन टाइम क्लास पर थी तो फिर एकदम से नेटवर्क इशू की वजह से क्लास आपकी नहीं स्टार्ट कर पाए थे तो अभी ओके okay है इज़ एवरीथिंग ओके नाउ तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक इस क्लास में जुड़ पाए हैं प्लीज एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं सो दैट एवरीबन कैन कनेक्ट द सेशन और एवरीबन कैन आंसर द ऑल द क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पर पूछने वाले हैं ओके गाइस, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यस yes. तो एक बार जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे ठीक है और हाँ शुरुआत करते हैं आज थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस से भी लग रहा होगा मेरी वॉइस क्लियरली आप लोग को सुनाई नहीं दे रही होगी बट कंटिन्यूटी इज़ मस्ट ठीक है एक दिन ब्रेक मतलब आप लोग काफ़ी पीछे हो जाते हैं तो इसीलिए आपकी क्लास मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाओ वी कैन मेजर द डिफरेंट डायमेंशनस अब हम ट्रीज़ को कट कर लिए हैं ठीक है मैंसोरेशन का कल बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं कल स्कॉप पढ़ लिए हैं तो अब उसके आगे हमें क्या और चाहिए तो वो सब डिस्कशन अभी आपके आज के सेशन में होने वाला है उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन एंड टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो ताकि सभी क्लासेज आपको टाइमली प्रोवाइड होते रहें एंड फॉर द पी डी एफ यू कैन सर्च टेलीग्राम uh, चैनल आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं वहां से आप क्लासेस का पीडीएफ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो आपको ये ट्री यहाँ पर विजिबल हो रहा है ओके okay, कल हमने पढ़ा कि मेन्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है वट इज मेन्सुरेशन इज दैट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री जिसमें आप मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें आप मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं नाउ इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट की आपको अगर एक ट्री गिवन है आपको अगर एक ट्री गिवन है तो आपको उस ट्री का हाइट किस हाइट तक मेजर करना है और आपको उसका गर्थ किस हाइट पर मेजर करना है और इन सब की ज़रूरत क्यों होती है सो so, uh, अगर हम ये ऑब्जेक्टिव ले टू फाइंड आउट द क्यूबिकल कंटेंट्स ऑफ वुड कंटेंट इन दैम आपके पास एक वुडन लॉग है एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ़ इट ठीक है अगर आपके पास एक वुडन लॉग है और आप उसका क्यूबिकल कंटेंट यानी कि आप उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं ठीक है इस तरह का वुडन लोक होगा आपको उसका वॉल्यूम मेजर करना होगा तो वॉल्यूम इट्स लाइक अ सिलेंड्रिकल तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच तो इस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए यू नीड यू नीड द रेडियस आपको, आपको इस वुडन लॉक का रेडियस भी चाहिए एंड यू नीड द हाइट ऑफ द वुडन लॉक आपको इस वुडन लॉक की हाइट भी चाहिए तो जब आपके पास ये दोनों सर्टेन मेजरमेंट्स होगी तभी तो आपके पास क्यूबिकल कंटेंट और क्यूबिकल मेजरमेंट्स आएंगी तो इन दोनों मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड यू नीड टू नो द गर्थ ऑफ द ट्री आपको उस ट्री का गर्थ पता होना चाहिए गर्थ इज द सर्कम ओके गाइस गर्थ इज़ द सर्कम ऑफ द ट्री आपको नॉन होना चाहिए एंड साथ ट्री ट्री का हाइट कितना है इसका भी कुछ उपचार किया जाएगा जो आपको एक क्वेरी है अभी एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं युवराज उसके लिए भी कुछ डिस्कशन करेंगे, करेंगे उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे अभी uh, थोड़ा पढ़ लेते पता लगा मैम आज पढ़ाते पढ़ाते गिर गई सुनो ध्यान से टू फाइंड आउट द क्यूबिकल कंटेंट ओके नाउ द वॉल्यूम ऑफ ए वुड वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है अभी फॉर्म यहाँ पर क्यों लिखा है लिसन गाइस जिस भी पर्टिकुलर शेप में कोई भी कॉम्पोनेंट uh, होता है उसी के शेप के अकॉर्डिंग एक वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है इफ यू इफ द वुडन लॉग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल तो सिलेंड्रिकल की आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इफ़ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल अगर क्यूबिकल के फॉर्म में है देन यू हैव टू इस्तेमाल like into into uh, तो करेंगे सो okay? so, अगर आपको एक वूड uh, का वॉल्यूम निकालना है यू हैव टू नो थ्री थिंग्स द हाइट ऑफ द वूड वट इज एरिया ऑफ द वूड और इट्स डायमी एंड द फॉर्म ऑफ द वूड किस आकार में है मेजरमेंट ऑफ डायामीटर और गर्स इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट पहला जो इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको ट्री का डायामीटर कैलकुलेट करना है नाउ आई एम आस्किंग यू आर क्वेश्चन हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ ट्री आप एक मतलब स्टैंडिंग ट्री का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ट्री यहाँ पर खड़ा हुआ है एंड सम वन आस्ट यू टू प्लीज कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस स्टैंडिंग ट्री हाउ विल यू डू दिस आप स्टैंडिंग ट्री का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एक स्टैंडिंग ट्री का डायमीटर निकालने के लिए गाइज प्लीज आंसर जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आरुषि युवराज प्लीज आंसर द क्वेश्चन ये स्टैंडिंग ट्री आपको दिया हुआ है एंड समन आस्ट यू टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस स्टैंडिंग ट्री हाउ विल यू डू दिस आप कैसे करने वाले हैं जी यस रायना श्रीवास्तव इट सीम्स वेरी हैप्पी और इट सीम्स वेरी चेयरफुल जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैम ये यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है बच्चा ये यू ऑप्शनल इफ यू आर टारगेटिंग फॉर यूपीएससी पी सिविल सर्विसेज और द फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम सो दीज क्लासेज आर रियली हेल्पफुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अभी हम धीरे धीरे थियोटिकल और मेजर पोर्शन की तरफ फोकस कर चुके हैं बट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग स्टैंडिंग ट्री का हम कैसे गर्थ मेजर करेंगे अपने कॉमन सेंस लगाओ यार अभी मैं आप लोगों को ना यूपीएससी पी के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराऊंगी पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं फिर हम वो उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो स्ट्रेटजीज बताऊंगी तो वो तो आप तभी उस पर वर्क कर सकेंगे ना अगर आपको ये तरीका आता होगा ये चीज़ें पता होंगी तो आप मुझे बताइए कि अगर यू हैव अ स्टैंडिंग ट्री एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द गर्थ ऑफ द ट्री तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी ये क्वेश्चन का आंसर नोबडी इज गिविंग तो चलिए मैं ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकती कर देती हूँ सो टू कैलकुलेट द गर्थ ऑफ अ स्टैंडिंग ट्री अगर आपको एक स्टैंडिंग ट्री का गर्थ कैलकुलेट करना है गर्थ ऑफ अ स्टैंडिंग ट्री तो स्टैंडिंग ट्री का गर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये बात है आप तीन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वन इज़ द मीटर स्केल आपके पास एक फोल्डेबल मीटर स्केल है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं वन सेकेंड यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ अ कैलिपर और अभी ये सब चीज़ें आपको आगे शो भी करके मैं दिखाने वाली हूँ एंड थर्ड इज यू कैन कैलकुलेट द गर्थ ऑफ अ स्टैंडिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ अ टेप ठीक है मेजरिंग टेप की हेल्प से भी आप चीज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप तो ये तीन आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं गर्थ ऑफ अ स्टैंडिंग ट्री और ये तीनों स्टैंडिंग ट्री में ऑपरेट करते हैं टू इंटू आर क्या होता है टू इंटू आर डायमीटर होता है गाइज गर्थ क्या होता है गर्थ आपका सरकम होता है बेटा एंड सरकम का फॉमला कहाँ खोए हो तुम लोग का फॉर्मूला टू पाई आर होता है एंड अगर हम बात करते हैं डायमीटर के बारे में तो डायमीटर का फॉर्मूला आपका इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ये आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ओके इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस टू टाइम्स ऑफ रेडियस नाउ स्टैंडर्डाइज्ड प्लेस ऑफ मेजरमेंट्स ओके अब ऐसा तो नहीं है कोई ट्री स्टैंडिंग ट्री है आप किसी भी पॉइंट पर मेजरमेंट कर सकते हो और आपको हमेशा सही मेजरमेंट मिलेंगे नो देर शुड बी अ स्टैंडर्ड हाइट जहां पर आपके मेजरमेंट्स जो होंगे वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगे और वो स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है ठीक है देर शुड बी अ स्टेंडरडाइज हाइट जहां पर आपके मेजरमेंट्स होंगे तो वो स्टैंडरइज हाइट क्या होती है कितना होती है देर शुड बी 1.37 मीटर ठीक है 1.37 मीटर ये आपकी स्टैंडर्डाइज हाइट होती है यानी कि चार फुट छः इंच ठीक है चार फुट छः इंच ये आपकी हाइट होती है जहां पर आपकी सारी मेजरमेंट होते हैं चार फुट छः इंच हाइट पर आपकी सभी मेजरमेंट्स यूजुअली आप कैरी आउट करते हो ओके इट इज ओके गाइस ठीक है यहां पर आप सारी मेजरमेंट्स कैरी आउट करते हो ओके okay? जो भी आपकी मेजरमेंट्स होती हैं तो चार फुट छः इंच इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबव द ग्राउंड लेवल तो ठीक है ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर यही हमने कन्वीन अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगी उन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी करूंगी आप बस उस चीज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा और उन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में मेकअप करते रहिएगा क्योंकि देखो मैं यहाँ पर चीजें जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सभी चीज़ें आप वो सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने इसी हाइट को क्यों लिया वाई वी टेक दिस हाइट हमने चार फुट छह इंच नियर टू यहां दिस इज कॉल्ड द ब्रेस्ट हाइट ऑफ द कॉमन मैन एक आम आदमी जो उस टाइम पे मेजरमेंट्स कर रहा है तो उसका ऑब्वियसली यहां तक लाई करेगा तो हमने यही क्यों चूज़ किया हमने कोई और डिस्टेंस चूज़ क्यों नहीं किया ट्री के गर्थ और उसके डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए क्या इतना यूज़ करना क्यों कन्वीनियंट था इससे नीचे या इसके ऊपर हमने कन्वीनियंटली कोई भी प्रोसीजर या कोई भी वैल्यू को यूज़ करना सही क्यों नहीं समझा तो इसके रीजन्स भी अभी डिस्कस होंगे और ये जो हाइट होते अमूमन कोई मनुष्य का मतलब ज़्यादातर कॉमनली सबकी हाइट इतनी होती है तो इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट इसके अलावा यू केम टू नो दैट कि जो आपका यहीं पर आपका मेजरमेंट के साथ एक और चीज़ मेंशन की गई है कि ये जो स्टैंडरइज प्लेस है मेजरमेंट की 1.37 मीटर ये कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर तो हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग आर कंट्री हमारे देश को भी इंक्लूड करके 1.37 मीटर हम वो स्टैंडराइज हाइट लेते हैं जहाँ पर आपकी सारी मेजरमेंट्स की जाती हैं टू कैलकुलेट द गर्थ ऑफ़ द ट्री एंड टू कैलकुलेट The height, or sorry, to calculate the girth of the tree, or to calculate the diameter of the tree. Okay, and while doing this. हम हम ये देखेंगे ट्री का अलाइनमेंट कैसा है हम पहले ट्री का अलाइनमेंट देखेंगे और वहाँ से एक पर्टिकुलर पोर्शन से देखिएगा जहाँ पर पर्सन कन्वीनटली खड़ा होकर ये चीज़ को मेजर कर सकता है वहाँ से उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे फिर इस बार के ऊपर मार्क लगाया जाएगा इस बार के ऊपर क्या लगाया जाएगा बेटा मार्क लगाया जाएगा क्योंकि आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पर्पस को इस पर्टिकुलर मेजरमेंट को करने के लिए उनमें कोई एरर ना आए कोई पैरालॉक्स ना पैरालेक्स ना आए तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उस चीज़ से बचने के लिए यू हैव टू पुट अ स्टैंडर्ड मार्क हेयर उसके बाद आप फर्दर मेजरमेंट्स को करना स्टार्ट करेंगे सो इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बर्मा इंडिया मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका इन कंट्रीज़ में हम इस पॉइंट को एज अ ब्रेस्ट हाइट और एज अ स्टैंडरडाइज प्लेस ऑफ मेजरमेंट लेते हैं वेयर इज इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की उसने एक स्पेसिफिक डायमेंशन दिया है अदर कंट्रीज उस डायमेंशन को फॉलो करती हैं तो वो क्या है दैट इज 1.30 पॉइंट अबव द ग्राउंड लेवल सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट आवर कंट्री वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू मार्क 37 meter as a breast height or as a standard place of measurement and if the question is asked ki food and agriculture organization jo hai united nation ki usne kya aapka ek height specify kiya hai to calculate the girth or the diameter of the tree that is 1.30 meter So wo aapka 1.30 meter hai above the ground level okay guys now नाउ लुक एट दिस ये आपको विजिबल है सो दिस पॉइंट इज द 1.37 मीटर एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ ब्रेस्ट हाइट इसी हाइट पर आपने ट्री का गर्थ मेजर करना है आपने ट्री का आपने ट्री का डायमीटर मेजर करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जो भी लूज बार्क वहां से ऐसी जो छाल निकलने वाली है उसको रिमूव आउट कर दिया जा, जाता है इस हाइट पर ताकि आपके मेजरमेंट्स में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके गाइज एक बात आप ध्यान रखेंगे जो भी डेड स्किन और डेड सेल की लेयर इसके ऊपर एज अ बार्क प्रेजेंट है उसको ब्रेस्ट हाइट पर रिमूव कर दिया जाता है टू गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन टू गेट द एक्यूरेट कैलकुलेशंस राइट इज द पॉइंट क्लियर एक्यूरेट एक्यूरेट कैलकुलेश को पाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्मुला फॉलो किया जाता है आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स आर यू गेटिंग मी वट आई एम सींगल टू सी और कमेंट गाइज की आप लोग को मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है या फिर आप लोग के पास मेरी वॉइस ही नहीं पहुंच रही है या आई वॉन्ट टू नो दिस फर्स्ट उसी के बाद हम आगे फॉलो करेंगे फर्दर फॉलो अप तभी होगा जब मुझे पता तो लगे कि आप लोग को समझ भी आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है आई शुड नो दैट एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए ओके okay. टस मूव फो वर्ट एक बार जल्दी से कमेंट बताओ कमेंट करके बताओ यहां तक के पॉइंट क्लियर हुए या फिर नहीं हुए एक बार कमेंट करके बताइए तक के पॉइंट्स क्लियर हुए या फिर नहीं क्लियर हुए यस मैम क्लियर है गणेश ओके दैट्स गुड टू नो तो ये चीज क्लियर हो गई है नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ दिस प्लेस टेकिंग इन मेजरमेंट्स हमने इसी प्लेस को ही क्यों मेजरमेंट में कंसिडर किया ठीक है हमने इसी प्लेस को ही मेजरमेंट के लिए कंसिडर किया क्यों किया एक बात बताओ हम ह्यूमन का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जिस काम को हम आसानी से कर ले जिस काम में हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो उस काम को हम बहुत मज़े से करते हैं अब एक फ़ॉरेस्ट एरिया है उसमें जो पर्सन है जिसको वर्क दिया गया यू हैव टू कैलकुलेट द गर्थ एंड द हाइट ऑफ द नंबर ऑफ़ ट्रीज लेट्स से हंड्रेड नंबर ऑफ़ ट्रीज़ तो अगर आप उसको सहूलियत दे देते हैं यू आर प्रोवाइडिंग सम मीन ऑफ कॉन्वीनियन ठीक है जिससे वो आसानी से वो चीज़ें कर सके तो वो बंदा खुशी खुशी इतना लंबा कैलकुलेशन भी कर देगा तो मीन ऑफ कन्वीनियंट ठीक है तो ये आपका आसानी से इंसान को बार बार बैंड नहीं होना पड़ रहा है इंसान को बार बार कहीं मूव करके नहीं जाना पड़ रहा है खड़े होके वो ईज़िली कैलकुलेशन कर पा रहा है खड़े होके वो पर्सन ईजिली सारी कैलकुलेशन कर पा रहा है तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्लेस टेकिंग इन मेज़रमेंट्स। तो अगर हम 1.37 मीटर को ब्रेस्ट हाइट कंसिडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्लेस फॉर मेजरमेंट तो इसका इंपॉर्टेंट वो क्या है ठीक है तो इसका आपका मेजर uh, इसका आपका मेजर एडवांटेज ये है कि सबसे कन्वीनियंट मेथड है एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है एंड दे आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपके अपने आशुतोष सर आशुतोष सर आज एस एस सी ट्वेंटी के प्लेटफॉर्म पर ठीक है सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट सिक्स टू एट मंथ का पिछले छह से आठ महीने का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं तो आप वो सेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सात बजे वो सेशन है ठीक है इंपॉर्टेंट सेशन है तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अदर एग्जाम्स को भी तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो चुकी है ठीक है ठीक है पर्सन को बार बार बैंड नहीं होना पड़ता है स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है ये नहीं करना होता है वो नहीं करना होता है तो ये हाइट काफ़ी कन्वीनियंट है पहला रीज़न तो ये है फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेक्शन क्या अड़चने हैं किन अड़चनों से वो दूर है देखेगा इस हाइट पर स्वॉलन रूट्स का भी इफ़ेक्ट नहीं होगा कि जड़ों में जब स्वेल सोलन uh, so, uh, आ जाता है स्वालिंग uh, जड़े जब आपकी स्वेल हो जाती है ड्यू टू सम डिजीज और ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन तो यहां पर रूट्स का भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है फर्स्ट पॉइंट दैट शुड यू कंसिडर और जो थ्रोनी श्रब्स होती हैं इस हाइट तक वो भी नहीं पहुंच पाते श्रब्स भी एक ही हाइट तक अटेन करती हैं तो जो पर्सन ये सभी कैलकुलेशन करने वाला है वो ईजिली ये कैलकुलेशंस कर सकता है उसको कोई दिक्कत कोई इनकन्वीनियंस कहीं पर भी फील नहीं होने वाली है ओके okay गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो वो जो पर्सन है फर्स्ट थिंग कन्वीनियंट उसको बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा मूव नहीं करना पड़ेगा ही कैन डू द कैलकुलेशंस वेरी इजीली और जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मिलकर यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं ही हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स इन इलेबोरेटिव वे काफी डिटेल में उसको ये पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है तो जितना मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ वो सारे कंसेप्ट आप नोट डाउन करते रहो मैं आपको काफी डिटेल में चीजें बता रही हूँ कब है सात बजे सात बजे गणेश ठीक है तो फ्री फ्रॉम ऑब्सट्रक्शन वाला पॉइंट मेंशन कर लिया है आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट देखो दो पॉइंट समझ में आ गए हैं ये जहाँ पर हेडिंग्स लिखे हैं यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स अब बताओ एक चीज बताओ यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स क्यों लिखा है यहाँ पर अब एक बात बताओ मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ आई एम बिलोंगिंग टू आई आई बिलोंग्स टू हरियाणा मैं हरियाणा से हूँ मान लो आई मान क्या लेना मैं हूँ ही हरियाणा से ए सवन इज़ फ्रॉम केरला आप में से कोई बंदा केरला से है ठीक है सवन इज़ फ्रॉम कश्मीर कोई बंदा कश्मीर से है अब मैं अपना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा मैं मे, मतलब मेरी हाइट काफ़ी अच्छी है तो आई कैन चूज़ अ हाइट ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर मैं इस हाइट पर मेजरमेंट करूँगी मेरी मर्जी ठीक है केरला वाला बोल रहा है मैं तो इससे भी ज्यादा हाइट पे इस्तेमाल करूंगा इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आई के आई विल यूज 1.5 मीटर और जो आपको पता है पहाड़ी जो लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ा छोटी होती है ओके ये कुछ आपका प्लेस फैक्टर होता है तो वो बोलेगा कि यार मैं इतना हाइट अटेन नहीं कर सकता हूँ आई विल डू एट द हाइट ऑफ नियर वन मीटर तो ऐसे में क्या होगा हर जगह कैलकुलेशन ना डिफरेंट डिफरेंट आएगी हर जगह कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी हर जगह जो वैल्यू होगा डेटा होगा वो डिफरेंट होगा और जब वो वुडन लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप उनको ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर सर्टेन पर्पज़ वहाँ के इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जा सकती हैं और जब कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगी तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा ही आपका एरर होगा तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू चूज़ अ यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ मेजरमेंट हर जगह एक ही पॉइंट ऑफ मेजरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं लेट्स से वैन वी टॉक अबाउट आर कंट्री आ कंट्री हैव अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आप जो आपका एक नैनी जगह है अलाहाबाद यूपी में जो मिर्ज़ापुर के पास है वहाँ पर आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने मेंशन कर लिया है आप उसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो आप में, आप इस चीज को महसूस करते हैं कि टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है ठीक है ग्रीनविच मेरिडियन है इंटरनेशनल लाइन ऑफ टाइम है तो ये जो चीजें हैं ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए की गई हैं चीजों को ताकि एक पर्टिकुलर uh, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो अभी जो आपका सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं इंडियन फूवल सर्विसेज का एग्जाम होता है दैट अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट इज फॉलोड बाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कंट्री किसी भी स्टेट से वो बिलोंग करते हो ठीक है तो वही वाली चीज है यहां पर भी तो यूनिफॉर्मिटी हमको चाहिए ना तो इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड पॉइंट चूज कर लिया है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन टू द वॉल्यूम और हाइट ऑफ द स्टेम अब एक बात बताइए हाँ ठीक है अब ज़्यादातर जो ट्रीज़ होते हैं जो आप कमर्शियली जिनका इस्तेमाल करते हैं व्यवसायिक तौर पर जिनका आप इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली जो ज़्यादातर ट्री स्पीशीज़ आप इस्तेमाल करते हैं आपको उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है टू नो अबाउट इट्स क्यूबिकल कंटेंट ताकि आप उसका क्यूबिकल कंटेंट इस्तेमाल कर सके बच्चा जब अब एक ट्री का क्यूबिकल कंटेंट अच्छा होगा तभी आपको एक सेल वैल्यू अच्छी मिलेगी अदरवाइज उसका सेल वैल्यू और उससे जो भी आपको इकोनॉमिकल एक बेनिफिट होने वाला है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा ठीक है तो आपने अगर कटिंग के टाइम पर ही किसी ट्री के फेलिंग के टाइम पर ही अगर आपने कैलकुलेशंस को फॉलो कर लिया तो फर्दर आपके वॉल्यूम वेट एंड अदर पैरामीटर्स के कोरिलेशन में भी आपको काफ़ी ईजीनेस हो जाता है अब एक बात बताओ यार पहले वो बंदा किसी और हाइट से कट करके लेकर आ रहा है फिर वो मैंशन कर रहा है कि तुम इसको अब इसको ट्रिम कर लेना तो इससे जो आपका लेबर है जो भी लेबर फोर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है उसका ज़्यादा यूज होगा तो आपको हमेशा ऐसे मेथड की तरफ मूव करना चाहिए जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जिसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो जो रीज़नेबल प्राइजेस पर वर्क हो जाए और आप स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड जो भी लेबर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसको भी मतलब किच किच करने का मौका ना मिले अगर आप एक स्टैंडर्ड चीज़ डिफाइन कर दोगे उसके बाद उसको अप्रिशिएट कर दोगे बंदा मजे से काम करेगा और तुम उसको पहले अरे ये वो ऐसा ऐसा करोगे तो कोई बंदा मज़े से काम नहीं करेगा चाहे वो कोई भी काम आप उससे करोगे आने वाले हो समझ गए ठीक है है अगला पॉइंट आप आप के के सामने क्या है कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए तो uh, बेसिकली मैं आपको एक बात बता देती हूं कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कैलकुलेशंस आपके द एरर्स इन एरर्स हो जाते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो भी उस पर्सन जो भी वर्क पर्सन वो वहाँ पर वर्क कर रहा है अगर वो थोड़ा केयरलेस दिखा केयरलेसनेस दिखाता है तो बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस वहाँ पर आपके कैलकुलेशंस में एरर आ जाते हैं वहाँ पर आपके कैलकुलेशंस में क्या आ जाते हैं बेटा जी एरर आ जाते हैं तो अवॉइड दीज एरर्स इन द कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं एक जो आपने यूनिफॉर्म ट्री स्पीशीज का स्टैंड कंसीडर किया है यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्री स्टैंड जो भी आप ट्री स्टैंड को कंसिडर कर रहे हो जिसकी आप बारे में बात करें उसमें से आप सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज़ को सैम्पलिंग पर्पस के लिए मतलब जस्ट टू नो सैम्पलिंग पर्पस के लिए कंसिडर करोगे और उन सबकी आप मेजरमेंट्स लोगे मतलब आप हवा में तुक्के नहीं लगाओगे सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और उसके बेसिस पर आप एरर के इफ़ेक्ट को कम कर सके जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होता है उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है यू कैन यूज़ द एवरेज वैल्यूज़ टू अवॉइड द एरर ठीक है आप एवरेज वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं लेट्स से एक ट्री को तीन लोगों ने कैलकुलेट किया तो तीन लोगों की जो अलग अलग वैल्यूज आई हैं उनका एवरेज ले लिया और उस एवरेज वैल्यू के हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशंस को किया तो वहाँ पर चांसेस ऑफ एरर आपके काफ़ी हद तक रेड्यूज हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे कंट्री और ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में जो सैंपल्स आप लेते हैं उनके मेजरमेंट पर्पज़ेस के लिए फॉलो किया जाता है बोलो बात सही है यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई नाउ अस मूव टू द पॉइंट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं वी जनरली यूज these थ्री इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर our मेजरमेंट purposes. आप लोगों ने कैलिपर्स भी देखा होगा इन योर फ़िज़िक्स लेबोरेटरीज एंड अगर आप फॉरेस्ट्री uh, से ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों ने अपना फॉरेस्ट्री लेबोरेटरीज़ में भी एक इंस्ट्रूमेंट्स uh, को बेसिकली ऑब्ज़र्व किया होगा और सैम्पलिंग भी की होगी और ये सभी कैलकुलेशन भी आप लोगों ने देखी होंगी तो चलिए इनके बारे में फ़र्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मैंशन किए गए हैं तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्या क्या हैं और कैसे ये वर्क करते हैं उससे पहले गाइज़ एक बार क्लास को शेयर कर दो और कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं अगर आपको डाउट हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज या पहले तो क्लास को शेयर कर दो यार पंद्रह तक करो पंद्रह तक क्लास को शेयर किया जाएगा उसी के बाद आगे बढ़ा जाएगा मैम इससे पानी पी लेते हैं इतने यहाँ तक में सब क्लियरेंस है अच्छा मेरे पास कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं लास्ट कुछ इयर्स के आ, फोरेस्ट्री ऑप्शनल के यू वांट देय सॉल्यूशंस टू बी डिस्कसड है आप चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस हो इट्स योर चॉइस यार अगर आप चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस बड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पर डिस्कस हुए तो कमेंट में बोलना पड़ेगा अगर नहीं बोलोगे तो हम नहीं डिस्कस करेंगे कहोगे तो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए सब चीजें हो रही हैं तो योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मस्ट आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन अत्यधिक आवश्यक है हाँ जी यस आई एम आस्किंग यूर क्वेश्चन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज या रायना श्रीवास्तव आरुषि, गणेश i have some question papers from the previous year set that have the questions of forestry optional or there mensuration also questions so you want to be discussed here in our sessions or you want some other sessions to where we will discuss that kind of questions so please uh, answer please reply in the comment box सो दैट वी कैन नो कि आप लोग सच में इंटरेस्टेड है नहीं कमेंट बॉक्स मीस टू से आफ्टर द क्लास एंड प्लीज क्लास को शेयर करो मैंने बोला बच्चे ज़्यादा होने चाहिए आपने क्या किया क्लास को जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी क्लास मतलब आप वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे इतना इम्पोर्टेंट सेशन है वही बात होती है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और uh, मतलब एक होता है न चलो नहीं बोलते हैं आ जाओ डिस्कशन करते हैं लेट एस टॉक अबाउट द वूडन स्केल ये एक वूडन स्केल है ओके okay? फोल्डेबल वुडन स्केल है दो फिट फोल्डेबल फोल्डिंग स्केल आपने इस्तेमाल करना है इस पर्पस के लिए अच्छा फोल्डेबल स्केल से क्या आपको फायदा हो जाएगा बच्चा इससे ये फायदा आप लोग को होने वाला है आप क्या करते हो इस फोल्डेबल स्केल को ओपन करते हो इस फोल्डेबल स्केल को ओपन किया जाता है देखो पीछे एक वी शेप बन रहा है ऐसे करके ये फोल्डेबल स्केल ओपन होगा आप इसको ट्री टर्म के अंदर इंसर्ट करोगे एक सर्टेन हाइट पर कौन सी हाइट पर 1.37 ठीक है आप इस स्केल को ओपन करोगे और 1.37 हाइट आपने मार्क कर लिया है नॉर्मल मीटर स्केल से और आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करोगे ठीक है इन दोनों पॉइंट्स पर आप इसको इंसर्ट करोगे तो जब ये आप इसको चेक करोगे कितना ओपन हो रहा है फिर आप एक्यूरेटली इसको एक स्केल के ऊपर प्लेस करोगे और यहाँ से इसके मेजरमेंट्स ठीक है आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है कि आप वन मीटर गैप के बाद ले रहे हैं सॉरी वन सेंटीमीटर गैप के बाद ले रहे हैं या फिर टू सेंटीमीटर गैप के बाद ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप मेजरमेंट्स करोगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ से आप रिमूव आउट कर दोगे और फिर बाद में आप कैल्कुलेशन करके निकालोगे येस दैट इज़ द गर्थ ऑफ़ द ट्री कि इस ट्री का गर्थ इतना है इस ट्री का गर्थ इतना है तो इस तरह से ये कैलकुलेशनस की जाती हैं या सेपरेट सेशन हो उसके लिए ओके दैट्स राइट ओके उसके लिए सेपरेट सेशन आप लोग के सामने मैं ले आऊंगी तो ये कैलकुलेशंस करते वक्त आप लोगों को ये चीजें भी याद रखनी होती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स लॉट आपके माइंड का प्रेजेंस यानी कि जब भी आप ये सभी कैलकुलेशंस करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स लॉट आप उसी जगह पर बिल्कुल फोकस्ड हो इन साथ में वो जो दो पॉइंट्स हैं जो आपने कंसिडर किए हैं वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जब वो पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे तभी जाके आपके कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी ओके okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द पिथ और आप कोशिश करो कि पिथ जिस पिथ से जो लाइन पास हो रही है यानी कि सेंटर से जो लाइन पास हो रही है यू हैव टू कंसीडर दैट पॉइंट ताकि आपके कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अच्छी हो तो यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स वाई डूइंग ऑल दिज कैलकुलेशन ओके नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द कैलिपर हम कैलिपर की बात करते हैं कैलिपर भी जनरली इन्हीं परपजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सो वाइल्ड और बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट आपने कैलिपर की ठीक है आपने अपने कैलिपर की एक जर्नल रीडिंग को स्पेसिफाई करना है बिफोर डूइंग द कैलकुलेशन कैलकुलेशन वर्क करने से पहले एक जर्नल रीडिंग को जर्नल पॉइंट को आप स्पेसिफाई कर लेंगे आप एक ज़ीरो लिमिट मतलब ताकि कोई भी इसमें एरर ना आ पाए यू हैव टू चूज द लिमिट ठीक है ज़ीरो लिमिट आपने इसमें चूज करनी है अगर आपका ट्री आपने फेल्ड ट्री की आप बात करें तो फेल्ड ट्री के, के केस में कैलकुलेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है और ये कैलकुलेशन करते वक्त आप एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चा मैंने क्या किया है इस वाले केस में क्या हुआ है मैंने कोई बाहर से बार्क रिमूव नहीं किया है पार्क रिमूव नहीं किया है तो इस वक्त पे जो इसका डायमीटर है वो डिफ़रेंट है इफ़ आई विल रिमूव द इफ आई विल रिमूव द बार्क तो इसका डायमीटर जो है वो डिफ़रेंट हो जाएगा तो जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये सारी बातें ध्यान रखते हैं दिस इज़ सेंटर ठीक है ये वुडन सेंटर ये इसके रिंग्स हैं जो ये बताते हैं कि इस ट्री का एज कितना है तो भैया यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये इसका इनर इनर रेडियस शो कर रहा है अंदर वाला रेडियस शो कर रहा है क्योंकि मैंने आधा ड्रॉ किया है और यहाँ से जो ये बाहर तक का है ये शो कर रहा है आउटर रेडियस बाहरी त्रिज्या कितनी है आउटर रेडियस कितना है इस वुडन लोक का जो आपने क्या किया है कट किया है Guys, is it clear to you? यहाँ पर ये ये चीज़ क्लियर हो गई है। Now, moving to the next point. आपका standing tree है। आपका केस ऑफ स्टैंडिंग ट्री हाउ यू विल कैलकुलेट दीज थिंग्स आप कैसे ये चीज कैलकुलेट करने वाले हैं एक बार इस चीज को भी यहाँ पर देख लेते हैं इन द केस ऑफ द स्टैंडिंग ट्री स्टैंडिंग ट्री के केस में बच्चा ये चीज आपको ध्यान रखनी है आप क्या करने वाले हैं आप सिंपली एक वुडन लुक को कैलकुलेट करने वाला एक थोड़ा हैवी सा इंस्ट्रूमेंट होता है दिस कैलिपर इसको आप लेकर आएंगे इसका जीरो लिमिट सेट करेंगे फिर इसका जो एक मूवेबल जो इसका हैंड है उसको उस हद तक मूव करेंगे ताकि वो वुडन के अंदर इंसर्ट हो जाए और जब वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाए इसको आप धीरे धीरे इस तरफ मूव करेंगे ये जो आपका मूवेबल uh, बैंड है इसको आप इस तरफ मूव करेंगे एंड देर यू विल गेट द कैलकुलेशन यहाँ पर आपको ये रीडिंग्स मिलेंगी और इन रीडिंग्स की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द इससे क्या पता लगेगा यू कैन कैलकुलेट द डाया मीटर से आपको एक्चुअली में डाया मिलने वाला है ऑफ़ द ट्री यहाँ से आपको ट्री का डाया मिल जाएगा and the half of the diameter is ऑफ radius or इट इज द रेडियर्स रेडियस की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट the girth ऑफ द ट्री गर्थ क्या होता है That is the pi r, which is also known as the circumference of the tree. Clear क्लियर यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दिस इज वेरी कॉमन ये बहुत जनरल इंस्ट्रूमेंट है अब एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यार क्या जरूरत हो रही है आप इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हमें क्या करना है गाइज वेन यू विल बी आ इंडियन स्टेट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जब आप एक आई एफ एस ऑफिसर बन जाएंगे ठीक है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट ऑल द इकनॉमिक और जो भी आपको रिसोर्सिस फॉरेस्ट रिसोर्स हैं आपको उनका कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फॉरेस्ट स्टैंड यहाँ पर आपने इस्टेब्लिश किया है पिछले 20 साल से जो आप इस फॉरेस्ट स्टैंड को यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस फॉरेस्ट स्टैंड को मेंटेन करने के हेल्प करने की, की वजह से आपको क्या प्रोडक्टिविटी और इल्ड मिलने वाली है जो आपके कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली है और वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हमेशा इनटेंजिबल जो वैल्यूज़ होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं आप लोग के लिए टेंजिबल वैल्यूज़ भी मायने रखती हैं यानी कि हमेशा हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है हमारे कार्बन का सिंकिंग हो रहा है हमारे इन्वॉर्मेंट प्योर हो रहा है क्लीन हो रहा है यही फैक्टर्स मायने नहीं रखते हैं यू हैव टू शो द डेटा ऑल्सो आपको पेपर वर्क भी शो करना होता है एंड पेपर वर्क में यू नीड टू ड्रो दीज कैलकुलेशन कैलकुलेशंस को वहां पर मैंशन करना होता है सुधीर क्या फास्ट इतना फास्ट हम चल रहे हैं यस अभिजीत या बी एस सी एम एस सी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम ओके सो इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द इंडियन फोर्स सर्विसेज एग्जाम और जब आप उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फिल करेंगे तो थोड़ा केयरफुली सब चीज़ों को देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप लेने वाले हैं ठीक है तो चूज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर योर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट ओके सो तो हम एक जो अब एक बात बताओ इससे ये क्या कैलकुलेट कर रहा है ये पर्सन यहाँ से इस लॉक की हाइट कैलकुलेट कर रहा है और जब ये इसके ऊपर यहाँ पे इसको रैप करके कैलकुलेट करेगा तो उससे इसकी सरकम कैलकुलेट हो जाएगी सुन लो ध्यान से ये बहुत ईजी मैथड है वुडन लॉग्स फेल्ड लॉग्स के लिए और यहाँ सेंटर से या डायरेक्टली आप इसको ऐसे करके अच्छा एक बात बताओ वुडन लॉग्स कोई स्पेसिफिक तो होते नहीं ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल गोलाकार ही होते हैं कहीं से ऊपर कहीं से नीचे तो इसलिए ऐसे पर का ऐसी तरह में जो भी यहाँ पर आपका एरर्स आ सकते हैं जो भी यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए जो पर्सन यहाँ पे कैलकुलेशंस करता है वो हमेशा दो तीन डायमेंशंस में वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है दो तीन डायमेंशंस में यानी कि आपका हॉर्जोनटल वर्टिकल अलग अलग लाइन्स जो सेंटर से क्रॉस होती हैं उनसे वो आपका ये सब कैलकुलेट करता है सो so दैट ऐसा इसलिए करता है फिर इनके एवरेज वैल्यू को मेंशन करता है ताकि जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत हद तक कमजोर हो जाए ओके ओके दैट्स गुड ठीक है केमिस्ट्री के लिए आप करना चाह रहे हैं ओके दैट्स ऑल्सो नाइस हाँ चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने ओके ऑलराइट नाउ वी हैव सम क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आज के टॉपिक के साथ इंक्लूडेड नहीं है आई हैव मैं अदर टॉपिक्स और अदर क्वेश्चन ऑल्सो तो भाई इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे और मुझे बताएंगे इन क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करने वाले हैं ये क्वेश्चन है ब्रेस्ट हाइट अडोप्टेड बाई मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो क्या ब्रेस्ट हाइट अडोप्ट करती हैं 1.3 मीटर 1.37 मीटर 1.27 मीटर या फिर 3.0 मीटर वट वुड बी द राइट आंसर जी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई क्विक ज्यादा समय नहीं लगाना है बहुत इजी क्वेश्चन है ओके लेट मी गिव यू द हिंट मैंने बताया था वैसे ज्यादा बच्चे आंसर लगा सकते हैं एग्री एम एम पी एस सी के लिए सुधीर गवानी अभी अभी एम पी में जो फर्दर आपकी वैकेंसीज आएगी उसके लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे बट वो एस एस सी अड्डा पर नहीं एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर होंगी ठीक है तो एस एस सी अड्डा के साथ साथ आप एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी का भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें फर्स्ट थिंग थिंग और thing, मैं आपको एक और क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स uh, क्या क्लियर करना था हाँ चैनल को आप एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और एड ट्वेंटी फोर सेवन के स्टोर पर आप लोग के लिए एक फाउंडेशन बैच भी है जिसमें से भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तो आप उन वीडियो लेक्चर को आप उन वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में वहां पर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी आप लोग के वहां अपलोड करने स्टार्ट कर दें अदर अदर फैकल्टीज जो हैं आप लोग के सेशन वहां पर अपलोड कर रही है जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं तो वाई थ्री डबल फोर ए कूपन कोड लगाकर आप उन वीडियो कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करते हैं नो एलिसन आरुषि ये तो हमारे इंडिया में अडॉप्टेड है और मैंने स्पेसिफाइडली मेंशन किया है इंडिया में बर्मा बर्मा में आपका ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में हम यहाँ इसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अदर कंट्रीज़ हैं जो आपका एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया है वो उसी को फॉलो कर रही हैं ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल साइज ऑफ द सैंपल प्लॉट इज जब भी आप एक सैम्पलिंग के लिए एक प्लॉट लेते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज आप लेते हैं ऐसा नहीं आप पूरे के पूरे एरिया को आ, उसका मेजरमेंट आप करते हैं एक स्टैंडर्ड साइट होता है सैम्पलिंग प्लॉट का तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ सैंपलिंग प्लॉट ओके व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ सैंपलिंग प्लॉट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और साथ में स्टूडेंट्स क्लास को लाइक like भी कर देंगे अब तो आपके क्वेश्चन सेशन हम आ चुके हैं तो क्लास को लाइक like करना तो बनता है बॉस जी और एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर मेरे बाद आप लोग की क्लास है आपके पुष्कर सर की तो वो क्लास भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसमें सर आपको हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स एंड हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स आपको करा रहे हैं आपके हॉर्टिकल्चर के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं Uh, Ganesh, you go you people got confused, yaar, Sudhir? गणेश कैसे आप लोग गलत लगा रहे हैं यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम नॉर्मल साइज आपसे पूछा सैम्पल प्लॉट का नॉर्मल साइज 0.1 तो सबने सही मार्क किया है सेकेंड ऑप्शन भी तो देखना है ना नाइंटीटेयर टू जीरो पॉइंट टू हेक्टेयर इज द राइट आंसर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल ऑफ स्लोप कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि कंटूर किससे मेजर करेंगे हाइट्स को मेजर करने के लिए मैंने आपको अलग अलग मैथड्स बताए थे एंगल ऑफ स्लोप की जो स्लोप है यहाँ पर वो किस एंगल पर है तो ये measure करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जीरो पॉइंट फाइव आर यू श्योर अभिजीत सुधीर गणेश आर यू श्योर अबाउट जीरो पॉइंट तो मुझे इसका सोर्स बताएंगे आप लोग कि आप कौन से सोर्स से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं प्लीज गिव योर एक्यूरेट सोर्स कि आप कौन से सोर्स के बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे क्योंकि देखो यहाँ पर सोर्स बहुत मायने रखता है ये फैक्टर ये जो पोर्शन है ये जो टॉपिक्स है इनमें सोर्स काफ़ी मायने रखता है ठीक है एल्टीमीटर इज यूज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री एल्टीमीटर का इस्तेमाल ट्री की हाइट को मेजर करने के लिए करते हैं हिप्सोमीटर का भी हाइट को मेजर करने के लिए करते हैं और मैंने आपको कल दो तरह के हिप्सोमीटर के बारे में बता दिया था सिमिलर एंगल्स के बेसिस पर अगर आप हाइट मेजर करें तो आप हाँ क्रिस्टन हिप्सोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ब्रेंडेस सिस्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टिग्नोमेट्रिक एंगल्स जब भी आपको स्लोप का एंगल निकालना है तो यू यूज क्लिनोमीटर क्लिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है स्लोप के एंगल को मेजर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट इन ड्यूरिंग द ईयर कौन से वर्ष में वेट एंड मेजर को लेकर एक्ट जो है वो इनैक्ट हुई थी standard, जैसे कि एक, जो है, एक हजार ग्राम के ही बराबर होगा एक किलोग्राम एक हजार ग्राम के ही बराबर होगा एक लीटर में एक हजार एम एल ही होंगे तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं इसको लेकर एक एक्ट पास हुई थी इनक्लाइनोमीटर और क्लिनोमीटर इसको कहा जाता है वेरी गुड मतलब पढ़ते तो हो यार तुम लोग हाँ बट ये है क्लास में आंसर देते वक्त थोड़ा सा हेजिटेट करते हो या फिर आंसर नहीं करना चाहते हो पता नहीं क्या राज है क्लास भी क्यों नहीं आते हो ऑन टाइम तो नाइनटीन ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री राइज आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है विद डेट क्वेश्चन ये चार इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है तो आप ये चारों इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूज है किस पर्पस के लिए चारों इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं आप इसको होमवर्क करके ला के आने वाले हो होमवर्क सेशन में आप ये मेंशन करने वाले हो कि ये जो चार इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं चारों इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या अपना इंडिविजुअल रोल है टू प्ले ओके सो यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं 1956 फिफ्टी सिक्स वॉज द राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन और यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं प्लीज लुक एट द होमवर्क क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एबनेस लेवल का क्या रोल है प्रेसलर्स बोरर का क्या रोल है रेस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और अल्टीमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में लिख देंगे तो मिलते हैं आप लोगों से अभी आप लोगों का अच्छा जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं अभी आपका एस एस सी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर सात बजे आशुतोष सर करंट अफेयर का सेशन लेकर आ रहे हैं पिछले छः से आठ महीने का तो आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और जो बच्चे हॉर्टिकल्चर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो सात बजे हॉर्टिकल्चर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ये चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए तो चाहिए ठीक है अब आप लोगों पर मैंने बहुत भरोसा कर लिया है आई वॉन्ट टू नो द आंसर्स फिर मैं गुस्सा करूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा Shalifi, all the very best. Bye-bye, take care and have a nice time.